नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन स्टाइल में नारियल की चटनी बनाकर दिखाऊंगा। एक बार आप भी इसको मेरे इस तरीके द्वारा बनाकर जरूर ट्राई करना, आपको इसको खाकर बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखना। चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए अब नारियल की चटनी बनाना शुरू करते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के नारियल को तोड़कर प्लेट में रख दिया है। अब मैं नारियल के बाहर वाले छिलके चाकू की सहायता से निकाल दूंगा। मैंने नारियल के छिलके उतार दिए हैं। साथ में मैंने नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर एक छोटा प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक लिया है। अब मैं नारियल, प्याज, हरी मिर्च और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काटकर मिक्सी जार में पीसने के लिए डाल देता हूँ। अब मैं नारियल को पीसकर एक बॉल में निकाल देता हूँ। इसके बाद मैं नारियल की चटनी के लिए तड़का तैयार करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बर्तन में 2 चम्मच तेल डालूंगा। जैसे ही मेरे पास तेल गर्म हो जाता है, फिर मैं तेल के बीच 1/2 चम्मच सरसों दाना, 4 सूखी हुई लाल मिर्च, 1/2 कटा हुआ प्याज, प्याज को मैंने यहाँ पर पतला काटा हुआ है। अब मैं प्याज को हल्का हल्का भूनूंगा। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इसके बीच 15 से 20 कड़ी पत्ते डालूंगा। कड़ी पत्ते को भी मैं यहाँ पर प्याज के बीच हल्का हल्का भूनूंगा। अब मैं तड़के को निकालकर नारियल की चटनी के ऊपर डाल देता हूँ। हम तड़के को चटनी के बीच अच्छे से मिला देंगे। नारियल की चटनी को आप अपने हिसाब से पानी डालकर पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। मैंने तड़के को यहाँ पर नारियल की चटनी के बीच अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसको निकालकर एक छोटे बॉल में रख देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास नारियल की चटनी कितनी अच्छी बनी हुई है। आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रीजर में भी रख सकते हैं। नारियल की चटनी को आप डोसा और इडली के साथ खा सकते हैं। साउथ इंडियन में नारियल की चटनी को डोसा और इडली के साथ ज्यादा खाया जाता है। यह खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एक बार आप भी इसको बनाकर जरूर ट्राई करना, आपको इसको खाकर बहुत ही मजा आएगा। आज की वीडियो में मैंने आपको नारियल की चटनी बनाकर दिखाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।